हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और देखेंगे भी इसका डायग्राम वाटर से कितना मिलता जुलता है और क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर हम ध्यान से देखें इस फेज डायग्राम को तो ये बहुत ही सिमिलर है वाटर के फेज डायग्राम से और इसमें भी बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं जैसा हमने वाटर के फेज डायग्राम पढ़े थे। तो क्या क्या है इसके अंदर पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक ये कर्व है ओ ए, दूसरा हमारे पास एक और कर्व है जो कि है ओ बी, एंड तीसरा हमारे पास कर्व है OC। और इसके अंदर हमारे पास तीन एरियाज हैं AOC, BOC एंड AOB और एक हमारे पास यहां पे ट्रिपल पॉइंट है। तो चलिए स्टडी करते हैं तीनों कर्व्स और तीनों एरियाज और इस ट्रिपल पॉइंट को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कर्व OA। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द वेपोराइजेशन कर्व। और क्या क्या इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? जैसे कि हम देख सकते हैं इस कर्व के ऊपर हमारे पास यहां पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है और बिलो दिस कर्व वी हैव द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। सो हम कह सकते हैं कि द कर्व OA इट सेपरेट्स द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और इस कर्व के ऊपर हमारे पास देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कर्व स्टार्ट हो रहा है O से और एंड हो रहा है A पे। तो ये जो ए पॉइंट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 72.8 एटमॉस्फेयर। तो ये पॉइंट यहां पे खत्म हो रहा है ए पे। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? जैसा कि हमने वाटर के केस में पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट जो है दैट इज दैट टेम्परेचर जिसके बाद हमारे पास जो है लिक्विड फेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मींस अगर हम टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें तो उस केस में हमारे पास जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वी विल हैव ओनली गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड। So, this is known as the critical point. तो उसके correspondingly हमारे पास जो temperature है उसको हम क्या बोलेंगे? Critical temperature, जो कि carbon dioxide के केस में कितना है? 31.1 degree Celsius. और उसके correspondingly जो pressure है, that is 72.8 atmosphere, it is known as the critical pressure of carbon dioxide. जैसे कि इस curve के ऊपर हमारे पास दो phase exist कर रहे हैं और अगर हम कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बाय यूजिंग द फेज रूल तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है वो कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि दो फेज हैं और कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे पास यहां पे? कंपोनेंट तो एक ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जगह पे हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दैट मीन्स कंपोनेंट तो एक ही है। ओके, तो कंपोनेंट एक है, फेज दो है। अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहे हैं दैट इज 1। अगर 1 डिग्री फ्रीडम है तो हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम अलोंग दिस कर्व इज यूनिवेरिएंट। ओके, और अगर हम स्लोप की बात करें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे T1
और प्रेशर है P1, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा T2 और प्रेशर क्या होगा P2। तो dP बाय dT जो कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे T2 जो है दैट इज मोर, T1 इज लेस। सिमिलरली द प्रेशर P1 इज लेस एंड P2 विल बी द हायर, सो द डिफरेंस दैट इज dP बाय dT इट विल बी ए पॉजिटिव। सो वी कैन से इट इज बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, सो वी हैव द पॉजिटिव स्लोप अलोंग द कर्व OA। नेक्स्ट वी हैव द कर्व OB व्हिच इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? बिल्कुल सिमिलर जस्ट लाइक द OA, इट इज सेपरेटिंग द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑल अलोंग दिस लाइन और दिस कर्व वी हैव सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम। ओके, एंड अगर हम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कूल करें तो विदाउट अपियरिंग दी लिक्विड फेज वी कैन गेट दी डायरेक्टली दी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कंडीशंस क्या है? -78 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेयर। मींस अगर हम गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री तक सिंपली कूल करें और प्रेशर अगर मेंटेन करें 1 एटमोस्फेयर, सो देन वी कैन हैव डायरेक्टली दी सॉलिड फेज विदाउट अपियरेंस ऑफ लिक्विड फेज। दैट इज वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द ड्राई एस। और इस कर्व के ऊपर भी हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी एक पॉइंट ले लो इस कर्व के ऊपर, देन वी विल हैविंग दी वन वैल्यू ऑफ प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन टेम्परेचर। और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें देन अगेन वी कैन कैलकुलेट दैट इट विल बी ए यूनिवेरिएंट सिस्टम, बिकॉज यहां पे भी हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, वन, फेज कितने हैं टू, सो वी विल हैव द टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम्स इज इक्वल टू वन। और अगर हम स्लोप देखें अगेन इट इज ए पॉजिटिव स्लोप विच रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है द कर्व OC which is also known as the fusion curve of solid carbon dioxide, we can say it is also a melting point curve। okay, so क्या represent कर रहा है? it separates the solid carbon dioxide from the gaseous carbon dioxide। okay, and all along on this curve OC we have the solid carbon dioxide and the liquid carbon dioxide in equilibrium। ओके, इन दिस केस ऑल्सो वी हैव वन वैल्यू ऑफ प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अगेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी वन। ओके, एज वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दी फेज रूल, एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज पॉजिटिव इन दिस केस, व्हाइल वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ वाटर द ओसी कर्व वाज अलोंग दिस साइड एंड द स्लोप वाज नेगेटिव, बट इन दिस केस द स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, विच रिप्रेजेंट दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एरियाज, एरिया एओ सी, एओ बी एंड बीओ सी। ओके, और अगर हम देखें इन एरिया एओ सी we have only liquid phase, that means we have liquid carbon dioxide in the area AOC। और अगर हम बात करें BOC, above this curve we have the solid carbon dioxide and the area below AOB we have only the gaseous carbon dioxide। और degree of freedoms अगर हम calculate करें in these areas, so we can find that
दिस इज ए बाइवेरिएंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि कोई भी एक पॉइंट अगर हम सपोज कर लो प्रेशर को फिक्स कर दे किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, अगर हम कैलकुलेट करें इन दिस एरिया वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। मीन्स सपोज हमने 1 एटमोस्फेयर प्रेशर को फिक्स कर दिया और उसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम एक पॉइंट टेम्परेचर का यहाँ पे ले लेते हैं, देन वी हैव द गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड ही रहने वाली। दैट मीन्स इन दिस एरिया बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर इंडिपेंडेंटली वेरिंग। ओके, सो वी हैव द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दीज एरियाज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ओ विच इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्या बता रहा हमें? इट रिप्रेजेंट दैट ऑल द 3 फेजेस, दैट इज लिक्विड फेज, सॉलिड फेज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दे आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, और हमारा जो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट जो टेम्परेचर है इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है? -56.4 डिग्री सेल्सियस। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर है वो कितना है? 5.11 एटमोस्फेयर। और जैसा कि यहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैलकुलेट करें सो वी कैन कैलकुलेट दैट वी हैव द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट तो एक ही है कार्बन डाइऑक्साइड और फेज कितने हैं? 3। अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं सो देन वी कैन कैलकुलेट दैट इट इज हैविंग ए 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। सो वी कैन से द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवेरिएंट और नॉन वेरिएंट। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करते हैं तो एक या दो फेज जो है इसमें से डिसअपियर हो जाएंगे। अगर सपोज कर लो इस प्रेशर को हम फिक्स करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन वी विल हैविंग द ओनली गैशियस फेज, बोथ द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज विल डिसअपियर। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें और प्रेशर को इंक्रीज करें देन अगेन वी विल हैव ओनली 1 फेज, दैट इज द सॉलिड फेज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस इन द फेज डायग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर सिस्टम। तो कुछ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे, हम देख सकते हैं दिस इज ए फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज ए फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कर्व है OC, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फिर फ्यूजन कर्व ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, दैट इज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एंड इन केस ऑफ वाटर इट इज टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस। सो द स्लोप इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज पॉजिटिव वेयर एज इन केस ऑफ वाटर इट इज नेगेटिव। ओके, सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ओके, अनलाइक इन केस ऑफ आइस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहां पे हमारे पास द पॉइंट ओ। अगर हम दोनों की कंडीशंस को ध्यान से देखें सो ऑब्जर्व करेंगे कि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है that occurs at -56.4 degrees Celsius and at a pressure of 5.11 atmosphere, while in case of water it occurs at 0.0098 degrees Celsius at 4.58 mm pressure. So the solid carbon dioxide can exist in equilibrium with the liquid carbon dioxide only at high pressure. Okay, whereas in case of ice and water both can exist in equilibrium even at very low pressure. Okay, next we have in carbon dioxide system the 1 atmosphere line that cuts only the sublimation curve, which indicate that on heating at this pressure the solid carbon dioxide changes directly into the gaseous carbon dioxide without changing to the liquid carbon dioxide. Okay, and this is for this reason the solid carbon dioxide is known as the dry ice, whereas in case of water system the 1 atmosphere pressure line meets the
मेल्टिंग पॉइंट कर्व ओसी एंड देन द वेपर प्रेशर कर्व ओए, ओके, व्हिच इंडिकेट दैट ऑन हीटिंग द सॉलिड आइस फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर एंड देन इनटू द वेपर. ओके, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली चेंज आइस इनटू वेपर्स एट 1 atmosphere प्रेशर. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे.